अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों आज आप हज़रात की खिदमत में ख्वाब में खाना खाने या खाना देखने से मुतालिक चंद ख्वाबों की मुख्तलिफ ताबीरें पेश करने वाला हूँ। ख्वाब और ताबीर का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आइए पहला ख्वाब ये है, बासी खाना खाना ख्वाब में कैसा है और इसकी ताबीर क्या होती है। अगर कोई इंसान अपने आप को ख्वाब में बासी खाना खाते हुए देखे तो फिर इसकी ताबीर क्या है। याद रखें, अगर कोई बासी खाना खा रहा है तो इसकी ताबीर ये कि ख्वाब देखने वाला मुसीबत में मुब्तला होगा या कोई गम बीमारी उसको लाहिक होगी, किसी भी तरीके की परेशानी और हादसा इसको लाहिक हो सकता है। दूसरा ख्वाब है, बाएं हाथ से खाना खाना। किसी ने ख्वाब में अपने आप को बाएं हाथ से खाना खाते हुए देखा है तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला अपने दोस्तों से दूर होगा और दुश्मनों की बात मानेगा, दुश्मनों की दुश्मनी को समझेगा नहीं और उनके कहने और इनके इशारों पर ज़िंदगी गुजारेगा। नंबर तीन, फीका खाना खाना। किसी ने ख्वाब में देखा कि वो फीका खाना खा रहा है तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को औलाद की जानिब से गम पहुँचेगा और ज़िंदगी बहुत तल्ख और परेशान करने वाली मुसीबत वाली गुजरेगी। नंबर चार, गरम खाना खाना। किसी ने ख्वाब में अपने आप को ही देखा कि वो गरम खाना खा रहा है तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को तकलीफ़, मेहनत, मशक्क़त और मुश्किल से रिज़्क़ हासिल होगा, यानी हुसूल रिज़्क़ में माल कमाने में इस ख्वाब देखने वाले को बहुत तकलीफ़ और मशक्क़तें और परेशानियां उठानी पड़ेंगी। नंबर पाँच, खाना गले में फंसना। किसी ने ये देखा कि खाना ख्वाब में खाते हुए उसके गले में फंस गया है तो फिर इसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाले को कोई बीमारी या इसी तरीके पर मौत वाक़े होने वाली है, मौत आने वाली है या इसी तरीके पर कोई बीमारी लाहिक होने वाली है या इसी तरीके पर किसी भी तरीके की सख्त हालात और तंगदस्ती, सख्त मुसीबत में ये गिरफ़्तार होने वाला है। दोस्तों ये हमने आपकी खिदमत में खाने से मुतालिक चंद ख्वाबों की मुख्तलिफ ताबीरें पेश की हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों तक शेयर कीजिए, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।